चंपा बाजपा हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्थिति साफ हो गई है, क्या लग रहा है? हम भगवा लहरा रहे हैं और ऐसा भगवा लहरा रहे हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान, जो राम को लाए थे वो राजस्थान में कमल को भी लाए हैं। सर, क्या लगता है, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया? मैडम, राजस्थान वीरों की भूमि है, समझदार लोग यहाँ पैदा हुए हैं, इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है। इस बार जो कांग्रेस ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में लड़ाई करते रहे अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, इसमें अशोक गहलोत ने पूरे मंत्रियों को खुली छूट दे दी भ्रष्टाचार करने की, हर विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है। क्या लग रहा है इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है और राजस्थान सरकार ने 4 साल से सोई रही थी, उसने लास्ट टाइम पे फ्री की रेवड़ियां बांटी, उनको प्रदेश की जनता ने नकार दिया और मोदी जी के चेहरे पर विश्वास किया और विकास पर वोट दिया। मुख्यमंत्री की फ्री की रेवड़ी इस बार नहीं चल पाई राजस्थान में? नहीं, बिल्कुल नहीं चली, जनता चाहती भी नहीं है। राजस्थान की जनता कर्मठ है, कर्म करना जानती है, अपने रेवड़ी नहीं चली यहाँ। और यहाँ तुष्टिकरण की नीति का जवाब दिया हमने, भेदभाव का जवाब दिया है, महिलाओं के साथ अत्याचार उसका जवाब दिया है, पेपर लीक का जवाब दिया है, उसका सबका जवाब दिया है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है हमारी। क्या लगता है सर, अशोक गहलोत का जादू फेल हो गया? अशोक गहलोत का जादू फेल है, उसने जो रेवड़ियाँ बांटी थी वो पब्लिक ने सोल ली और बीजेपी जीत गई है। आपने देखा, हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की, उनका साफ यही कहना है कि इस बार फ्री की रेवड़ी राजस्थान में नहीं चल पाई, राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत की सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है। बाकी आप यहाँ पे देखिए, लगातार माहौल बना हुआ है, लोग गुलाल से खेल रहे हैं, लगातार नाच रही है, ये देखिए यहाँ पे लोग गुलाल से खेल रहे हैं। सर, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं लग रहा है? क्योंकि ये वो जीत है जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अराजकता फैलाई थी, युवाओं पे लाठीचार्ज, महिलाओं के साथ में अत्याचार, और सबसे बड़ी चीज जो है वो राम मंदिर की जीत है। अच्छा, इस बार परिणाम कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे, फिर और क्या करने वाले हैं आप लोग? फिलहाल तो जश्न चल रहा है, शाम को 6 बजे मोदी जी आ रहे हैं, उनकी स्वागत की तैयारियां चल रही है, कुशासन का अंत हो गया, गहलोत का गुंडा राज खत्म हो गया और राम राज की शुरुआत हो गई। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, लगातार कब से आप डांस कर रही है, गुलाल खेल रही है? अभी थकने का नाम ही नहीं है, क्योंकि कमल खिल चुका है, वो तो ऑलरेडी खिला ही हुआ था और अब तो जोश ही जोश है, जोश में कोई कमी नहीं है। क्या लगता है मैम, इस बार राजस्थान में कमल खिल गया? कमल खिल गया, बहुमत से खिल गया, हमें बहुत यकीन है, पहले से ही यकीन है कि कमल खिलेगा। और घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, भाजपा मोदी के लगातार यहाँ नारे लग रहे हैं, लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लगातार हम इनसे भी बातचीत करते हैं। बहुत जरूरी था और अब बीजेपी आ गई है, राजस्थान का विकास होगा, सब कुछ सही होगा राजस्थान। कांग्रेस में राजस्थान का विकास नहीं हुआ, नहीं है, कांग्रेस ने एक तरफ का राज कराया जिससे जनता परेशान थी, आज सब जनता ने बीजेपी को इसलिए वोट दिया है। देखिए यहाँ पे लोगों का यही कहना है कि कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया था, बीजेपी आ गई है राजस्थान में, निश्चित रूप से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी, यहाँ के लोगों का ये कहना है। आपका क्या कहना है सर? जीत रही है भाजपा, प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बना रही है। आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं लग रहा है? हाँ, बहुत खुशी है, पूरे राजस्थान में खुशी है कि भाजपा की सरकार बन रही है। एक तरफ से जिस प्रकार पूरा चुनावी माहौल, भाजपा की सरकार 130 प्लस सीटों से जीत होकर पूरे राजस्थान में जिस तरह से लग रहा है, और हम पूरे राजस्थान वाले यही चाहते हैं कि बाबा बालकनाथ जी सीएम बने, तभी पूरे राजस्थान में इस भ्रष्टाचार और अत्याचार को पूरे राजस्थान में कानूनी तरफ से लगाया जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की, सभी का यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही राजस्थान का विकास कर सकती है। बाकी देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि आपको उधर की तस्वीरें दिखाएं, जहाँ लगातार लोग जश्न मना रहे हैं, गुलाल से खेल रहे हैं, बल्ले बल्ले कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लगातार लोग खुशी से फूले समा नहीं रहे हैं। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है? लायक ही उसी थी। अच्छा, लायक ही उसी थी। तो और क्या, तो इसी लायक थी, तभी तो नकारा ना, महिलाएं इतनी परेशान थी उसको, उसमें महिला भी था, आपको नहीं पता था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ी देर में पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। हो जाएगी क्या? हो गया, क्लियर तो भी है ऑलरेडी,
दृष्टिकोण का गालर थप्पड़ की दूरी नेपलेड़ा अजमेर में लटकाए थे, आरपीसी का घेराव किया था तब उस टाइम लटकाए थे, तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, लटकाए थे उसमें, आप ही देख लीजिए। और हमारे जो गहलोत की जादूगरी खत्म हो गई, पहले भी खत्म हो गई थी, चुनावों से पहले ही खत्म हो गई थी, रबर स्टैंप लगना बाकी था, जो रिजल्ट ने रबर स्टैंप लगा दिया। और देखिए झूठी झूठी चल रही थी जादूगरी, कुछ नहीं थी। और इवन मैं आपको एक बात बता दूं, मोदी मैजिक चला है, जादूगरी फेल हुई है, इवन मैं चला है 2029 में भी सफाया हो जाएगा इसका, 2024 की तो बात। इतने निश्चिंत है? हां बिल्कुल निश्चिंत। ऐसा है हमारे राजस्थान में, सिर्फ साफ सुथरी बात करने वाली हूँ, वसुंधरा जी के बिना हमारा मन नहीं लगता, दिल धड़क धड़क करता है, वसुंधरा जी के बिना हमें नींद नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा। चैन की नींद आएगी आप लोगों को, बिल्कुल चैन क्या है कि 23 में राजस्थान में वसुंधरा जी के लिए आएगी, 24 में मोदी जी के लिए आएगी। सर क्या लगता है कि इस बार पूरी तरह से राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और बीजेपी का कमल खिलाने के लिए तैयार है? बिल्कुल, आज ही हमारे बड़ा खुशी का दिन है, सबसे बड़ा खुशी का दिन। राजस्थान से कचरा साफ हो गया। कांग्रेस वो घास थी जिसे कोई गाय भैंस जानवर खाना पसंद नहीं करता था, वो जहरीली घास थी, राजस्थान से साफ और जो इसके अंदर बिल्कुल पत्ता साफ हिंदुस्तान से। पॉलिटिकली डेथ हो गई है मामला, पॉलिटिकली कुछ भी नहीं बचा, बाकी जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना उसका पहले गड्ढा खुदता है। एक्चुअली सचिन पायलट का इसने पूरा किया तो इसका खुद का पूरा हो गया। मैडम जादूगर का पिटारा बहुत जल्दी बंद हो गया है और इसको राजस्थान को हिंदू प्रदेश बनाएंगे और हम बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी जी तक ये बात फैलाना चाहते हैं कि भाई अभी हिंदुओं के साथ में यहाँ पे जो मतलब अत्याचार हुआ है, आप देखो कावड़ यात्रा के अंदर है ना डीजे नहीं बजने देते हैं, ये हम यात्राएं निकालते हैं तो उसके अंदर रोक लगाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। और अशोक गहलोत खुद है ना नवाज के समय बड़ी बड़ी मस्जिदों के बाहर है ना बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाए, ये हिंदुओं के साथ में मतलब बहुत बड़ी हतेशी करी है, इसका जवाब हिंदुओं ने दे दिया है और पूरा हिंदू माहौल पूरी तरह से बीजेपी की ओर है, रुझान जिस तरह से आ रहे हैं उससे साफ क्लियर हो रहा है कि बीजेपी अपनी सरकार राजस्थान में बनाने वाली है। बिल्कुल सरकार बनेगी, तीनों राज्य बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी जीत रहे हैं, राजस्थान में जीत रहे हैं और 2024 में पूर्ण मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कमल खिलाएंगे, लोकसभा में भी आज राजस्थान में खिलाएं, 24 में दिल्ली में कमल खिलाएंगे और हम जीत है, ये 2024 की जीत है, फाइनल है, फाइनल हमारा है, फाइनल बाकी है, अभी फाइनल बाकी है और सारा वो खत्म है एकदम, जो समझ लो आप जितना भी करप्शन था पेपर लीक हो रहे थे वो जो सब खत्म। स्वागत की तैयारी कर रहे हो मतलब? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। कल 11 बजे बीते हुए कल को 11 बजे हमने कांग्रेस की विदाई कर दी थी, स्थिति साफ हो चुकी है, लग रहा है भाजपा इस बार अपनी सरकार बना लेगी या बना ली सरकार, तीनों राज्यों में बना ली, एक को छोड़ के तीन राज्यों में हमने सरकार बना ली और मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है, उनका चेहरा ही सर्वोपरि है, कमल खिल गया इस बार राजस्थान में, पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान में बीजेपी अपनी सरकार बना रही है और पूर्ण बहुमत से बना रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, थोड़ी देर में सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी, घोषणा बाकी है सरकार और वसुंधरा राजे यहाँ की मुख्यमंत्री निर्धारित हो चुकी है। वसुंधरा राजे को देखते हैं आप मुख्यमंत्री के तौर पे? बिल्कुल, तजुर्बा है उनको सरकार चलाने का और काफ़ी सीनियर नेता हैं हमारे बीजेपी की। खुशी का माहौल छाया हुआ है, लोग गुलाल से खेल रहे हैं, बिल्कुल पूरे राजस्थान में कमल खिल रहा है, बिल्कुल एक तरफा जीत है, बिल्कुल एक पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, कांग्रेस का सफाया राजस्थान। देखिए लोगों का अभी भी यही कहना है, शुरुआत से यही कहना है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, राजस्थान में कमल खिलने ही वाला है, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, जो चाहते थे वही हुआ, मोदी है रहेगा हमेशा, 2024 में भी मोदी आएगा, ये मोदी की जीत है, मोदी ने एक दिन पहले आके राजस्थान का काया पलट दी, कांग्रेस दूर। मैं कब से देख रही हूँ आप लगातार डांस कर रही है, आपके चेहरे से खुशी गायब नहीं हो रही है, ये खुशी का ठिकाना नहीं है, ये अब पूरे हिंदुस्तान राम राज्य बनाने की पूरे प्रयास है, आपका क्या कहना है? राम राज्य आया है और ये जो कांग्रेस की सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है, जो पेपर लीक के मुद्दे पेपर लीक किया है, औरतों पे अत्याचार हुए हैं, उसका तमाचा पड़ा है कांग्रेस सरकार को, इसलिए बीजेपी सरकार आई है। क्या क्या करने वाले हैं और इस बीजेपी की जीत के बाद? ये सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को ये भगवा लहराने पर हार्दिक शुभकामनाएं और मोदी जी के नेतृत्व में ये एक ट्रेलर है 2024 के लिए, 2024 के अंदर हम 350 से प्लस ज्यादा
सीटें जीत करके आएंगे और लोकसभा के अंदर वापस से मोदी जी को लाएंगे और हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवाएंगे। देखिए लगातार नगरी मीडिया की टीम सुबह से लगातार बीजेपी कार्यालय में कवरेज कर रही है। यहाँ पे हमने जितने भी लोगों से बातचीत की, सभी का यही कहना है कि निश्चित रूप से इस बार राजस्थान में कमल खिल गया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, अशोक गहलोत का जादू खत्म हो गया है। हमने कुछ और लोगों से भी बातचीत की थी जिनका भी साफ तौर पर ये कहना था कि अशोक गहलोत की जादूगरी का पिटारा जो है अब बंद हो चुका है। कांग्रेस वो गाज थी जिसे राजस्थान से उखाड़ के फेंकना बहुत जरूरी था। देखिए रुझानों की बात करें तो सिर्फ यही लग रहा है कि निश्चित रूप से बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी।